दोस्तों आज के डाउट सेशन में मैं आपके दो डाउट दूर करने वाला हूं जो स्टूडेंट से मैंने बात करते समय महसूस किया है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को सबसे पहले डाउट ये होता है कि अगर हम फर्स्ट राउंड में सीट नहीं लेते हैं तो क्या सेकंड राउंड में सीट हमें मिलेगी या नहीं, मिलेगी तो कितनी सीटें खाली रहती हैं, कितने स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में सीटें ऑक्यूपाई करते हैं, चाहे वो एमसीसी की काउंसलिंग हो या फिर स्टेट की काउंसलिंग हो। दूसरा डाउट आपका मैं ये दूर करने वाला हूं कि अगर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की एक साथ काउंसलिंग करवाते हैं तो जो सिक्योरिटी मनी है प्राइवेट के लिए अलग है, गवर्नमेंट के लिए अलग है, तो क्या हमें दोनों के लिए अलग अलग डिपॉजिट करनी होगी या फिर हमें एक साथ ही डिपॉजिट करनी होगी। तो ये दोनों डाउट इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी मनी का डाउट क्लियर कर लेते हैं कि प्राइवेट के लिए और गवर्नमेंट के लिए जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी है वो दोनों के लिए एक साथ करनी है या फिर अलग अलग करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीसी की। तो एमसीसी द्वारा जो काउंसलिंग करवाई जाती है वो 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए जो गवर्नमेंट सीटें हैं डीयू, एएफएमसी और ईएसआईसी, तो इनके लिए ये सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट होता है। इसके बाद में डिम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि जो प्राइवेट सीट है इन दोनों के लिए एमसीसी द्वारा सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है। अब इसके लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है वो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट की जाती है और इसमें 10,000 रुपीज सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है। ये नॉन रिफंडेबल है और ये रिफंडेबल है। इस प्रकार से टोटल 11,000 रुपीज डिपॉजिट किया जाएगा यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अब हम बात करें ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी के लिए, एसटी और पीएच कैटेगरी के लिए तो इसका हाफ अमाउंट डिपॉजिट होता है। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस इसकी 500 रुपीज लगती है जो नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो 5000 रुपीज लगता है। इस प्रकार से टोटल 5500 रुपीज आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में डिपॉजिट करने होते हैं। अब हम बात करें डिम्ड यूनिवर्सिटी की, तो डिम्ड यूनिवर्सिटी में 5000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस लगती है जो ऑल स्टूडेंट के लिए होती है, ऑल स्टूडेंट के लिए होती है चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, और ये नॉन रिफंडेबल फीस है इसमें। अब इसकी सिक्योरिटी अमाउंट की बात करें तो इसमें 2,00,000 सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है जो ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। तो इसमें हम टोटल इसकी काउंसलिंग के लिए जो डिपॉजिट करवाएंगे वो 2,05,000 रुपीज यहां पर हम डिपॉजिट करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम स्टेट की। तो स्टेट का जो 85% स्टेट कोटा है इसके लिए गवर्नमेंट सीट के लिए सेम यही आपको अमाउंट डिपॉजिट करना होगा जो ऑल इंडिया के गवर्नमेंट के लिए होता है, यानी कि जो एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच कैटेगरी है उनके लिए 5500 रुपीज आपको पे करना है, और जो बाकी अदर कैटेगरी है जो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए 11,000 रुपीज आपको पे करना होगा गवर्नमेंट सीट के लिए। सेम एमसीसी का ही ये अमाउंट है। इसके बाद में हम बात करें प्राइवेट सीट के लिए, तो स्टेट प्राइवेट सीट के लिए 1,00,000 रुपीज एमसीसी में 2,00,000 रुपीज लेते हैं और इसमें 1,00,000 रुपीज सिक्योरिटी अमाउंट लेते हैं। बाकी कंडीशन इसकी भी सेम रहती है पहले वाले अमाउंट की जो ऊपर लिखा है। अभी इसमें कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जो सिक्योरिटी अमाउंट प्राइवेट कॉलेज के लिए लेते नहीं हैं, जैसे कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तो ये स्टेट सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लेते हैं प्राइवेट के लिए। इसके बाद में बात करें हम छत्तीसगढ़ की, त्रिपुरा की, उत्तराखंड की, तो ये स्टेट या फिर काफी सारे जो बचे हुए स्टेट हैं वो ये जो प्राइवेट के लिए सिक्योरिटी अमाउंट है 1,00,000 रुपीज ये सेकंड राउंड में
लेते हैं, यानी कि फर्स्ट राउंड में सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस ही लेते हैं, सेकंड राउंड में ये प्राइवेट के लिए सिक्योरिटी अमाउंट लेते हैं, और जो गवर्नमेंट में सेकंड राउंड में लेते हैं वो सिक्योरिटी अमाउंट गवर्नमेंट में ये जो मैंने 10,000 और 5,000 रुपीज बताया है ये सेकंड राउंड में ही लेते हैं सिक्योरिटी मनी कुछ स्टेट। अब हम बात करें कि क्या हम गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं क्या हमें गवर्नमेंट के लिए अलग करना पड़ेगा या प्राइवेट के लिए अलग करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई कैंडिडेट जो आर इंडिया कोटा एमसीसी और स्टेट की दोनों कंडीशन सेम है 15% में या फिर 85% में गवर्नमेंट सीट पर भी वो अप्लाई करना चाहता है और वो प्राइवेट सीट में डिम्ड हो या स्टेट की प्राइवेट हो प्राइवेट सीट पर भी अप्लाई करना चाहता है तो उसको कितना सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा। अगर कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट सीट के लिए और प्राइवेट सीट के लिए दोनों के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको हायर फीस डिपॉजिट करनी होगी। इस कंडीशन में एमसीसी के लिए उसको 2,05,000 रुपए 2,05,000 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे तब वो गवर्नमेंट के लिए भी इलिजिबल है और डिम्ड के लिए भी इलिजिबल है। उसको ये जरूरी नहीं है कि ये 2,05,000 डिम्ड के लिए भी डिपॉजिट करेगा और वो गवर्नमेंट की काउंसलिंग करवाना चाहता है तो वो गवर्नमेंट के लिए भी 11,000 या 5,500 रुपीज पे करेगा, ऐसा नहीं है। हायर फीस उसको डिपॉजिट करनी होगी, उसके बाद में वो ऑल इंडिया यानी कि गवर्नमेंट सीट पर भी वो अप्लाई कर सकता है और प्राइवेट सीट पर भी अप्लाई कर सकता है। यही कंडीशन स्टेट की है, यानी कि उसको हायर फीस ही डिपॉजिट करनी होगी सिक्योरिटी अमाउंट के लिए। अब हम इसमें बात करें ये जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है वो सीज कैसे होगा। मान लो आप अगर ऑल इंडिया की ही बात करते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि दोनों की कंडीशन सेम है अमाउंट सीज होने की, तो हम यहाँ ऑल इंडिया कोटा की ही मैं एमसीसी से ही आपको समझाता हूं। मान लो कोई स्टूडेंट ये डिम्ड और ऑल इंडिया कोटा दोनों की काउंसलिंग करवाता है, उसमें उसने ऑल इंडिया कोटा की उसको सीट अलॉट होगी और उसने सेकंड राउंड में वो सीट छोड़ दी, तो सेकंड राउंड में सीट छोड़ेगा तो उसकी सिक्योरिटी अमाउंट है उसका सीज होगा। तो सीज होगा तो उस कंडीशन में अगर वो ऑल इंडिया की सीट छोड़ता है तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो इस 2,00,000 में से उसका 10,000 रुपीज ही सीज होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट सीट छोड़ रहा है। अगर वो है एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का तो उस कंडीशन में उसका 5,000 रुपीज ही सीज होगा, बाकी उसको पेमेंट वापस मिलेगा। अगर वो डिम्ड की सीट छोड़ता है सेकंड राउंड में तब उसकी जो पूरा उसका अमाउंट है वो सीज होगा। तो मैं सोचता हूं कि ये आप समझ गए होंगे। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा और डिम्ड यूनिवर्सिटी एमसीसी के कंडीशन में, और ऑल इंडिया कोटा और ये 85% कोटा और प्राइवेट कोटा स्टेट की कंडीशन में, इनके लिए दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हायर फीस पे करनी होगी। लेकिन आपकी अमाउंट सीज तभी होगा जब आप सेकंड राउंड में सीट छोड़ते हैं और वो अमाउंट सीज होगा आपकी छोड़ी हुई सीट के अनुसार। अगर आप गवर्नमेंट सीट छोड़ते हैं तो 10,000 रुपीज आपका सीज होगा, अगर प्राइवेट छोड़ते हैं तो पूरी की पूरी राशि आपकी ये सीज हो जाएगी। तो मैं समझता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपके दूसरे डाउट के बारे में बात करते हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि फर्स्ट राउंड में अगर उन्होंने सीट छोड़ दी तो क्या पता सेकंड राउंड में सीट मिलेंगी या नहीं, सीट खत्म हो जाएंगी या क्या होगा। तो इस कंडीशन में मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा मैं यहां पर इसको बोर्ड को क्लीन कर लेता हूं। अब हम बात करते हैं एमसीसी के फर्स्ट राउंड में। तो एमसीसी के फर्स्ट राउंड में जितने भी सीटें हैं, मान लो यहां पर 6,000 सीट हैं, तो सेकेंड राउंड के लिए जो सीटें वैकेंट रहने की संभावना है इस बार वो 40% सीट ही इसमें ऑक्युपाई रहेंगी, बाकी 60% सीट इसमें वैकेंट रहने की संभावना है। मान लो इसमें
6000 सीटें हैं तो तकरीबन इसमें 4000 सीटों के नियर बाय सेकेंड राउंड में वैकेंट रहने की संभावना है। अगर हम पिछला देखें, इसमें पिछला कैलकुलेशन लगाएं, पिछले साल का कैलकुलेशन लगाएं नीट 2019 का, तो इसमें टोटल फर्स्ट राउंड में 5000 सीटें थी, लेकिन सेकेंड राउंड में 1200 के नियर बाई इसमें सीटें ऑक्यूपाई रही हुई थी। उसके बाद में वो सेकेंड राउंड के लिए सीटें काफी सारी वैकेंट रही थी, लेकिन पिछली साल का उस कंडीशन में ये था कि एम्स भी उसमें अलग सेपरेट एग्जाम हुआ था, जिपमर का सेपरेट एग्जाम हुआ था, तो कुछ स्टूडेंट एम्स व जिपमर में चले गए थे, इसलिए इसमें ज्यादा वैकेंट सीटें रही थी। अभी मर्ज हो गया है तो हम यहाँ सोचते हैं कि 40% सीटें ही ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट, 60% सीटें वैकेंट रहेंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट स्टेट के राउंड में फर्स्ट राउंड में सीट ऑक्यूपाई कर लेंगे, इस प्रकार से इसमें ये सीटें वैकेंट रहती हैं। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट को, एमसीसी के सेकेंड राउंड में भी काफी सीटें खाली रहती हैं। तो ये दो डाउट थे आपके जो मैंने यहाँ पर दूर किए हैं। कल के सेशन में और आपके नए दो डाउट आपको दूर करूंगा मैं। अगर आप काउंसलिंग के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक में मैंने पूरी सारी जानकारी दी हुई है, सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ, प्रीवियस ईयर की, इसके अलावा ट्यूशन फीस वगैरह सब कुछ दे रखा है, तो आप उससे एक आइडिया ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के डाउट सेशन में फिर एक बार, तब तक के लिए मैं हर्षाय चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।